बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। और 850 किलोमीटर की यात्रा करके बुंदेलखंड कनेक्ट और बुंदेलखंड मैगजीन की टीम आ चुकी है कटरा कालिंजर गांव में। और कटरा वो खास गांव है बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस गांव को सांसद जी ने गोद लिया है और गोद लिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। यहाँ पे बुंदेलखंड चर्चा के माध्यम से हम चौपाल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आखिर सांसद जी के आदर्श गाँव में कितना काम हुआ है। और प्रधानमंत्री जी जिस गांव की बात करते हैं कि वहां पे तमाम सुविधाएं हो आदर्श गांव में, सांसदों को कहा गया था कि वो एक एक गांव गोद लें और उसको विशेष बना करके वहां सुविधाएं उपलब्ध करा करके एक आदर्श प्रस्तुत करें और अन्य गांवों को। और खास तौर पे हम एक बात बता दें आपको कि सांसद जी जो भैरव साहब मिश्रा जी हैं पूरे देश में जो है अव्वल रहे हैं। अगर हम उनकी उपस्थिति की बात करें संसद में तो लगातार वो उनकी उपस्थिति वहां पर रही है, 100% उपस्थिति रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न पूछने में जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पे वो अव्वल रहे हैं। लेकिन इस गांव में उनकी क्या स्थिति है, इस गांव में उनके कार्यों की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल हम यहां पे करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर लोगों को उम्मीदें क्या थी और किस तरीके से यहां पे कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। हम लोग इस समय कटरा गांव में हैं और ये आप जो पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे सड़क भी जाती है गांव के लिए, सड़क अभी नहीं बनी, आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव था। आपको क्या लगता है कि काम हुए हैं या अभी कुछ बचा है? तीन साल होने वाले हैं, समझता ही अब कुछ वही तान है, कच्ची वच्ची रास्ता है ना। अच्छा, जब सूचना मिली आपको कि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव आया है, जब आपको सूचना मिली तो आपको, और आज ये 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, काम हुआ है, करना चाह रहे थे सांसद जी या सरकार करना चाह रही थी, हुआ क्या हुआ यहाँ पे? सांसद जी जो है यहाँ 3 बार आए, तीनों बार आश्वासन दे के चले गए कि हाँ ये योजना है, ये है वो। अब जो सड़क बनी हुई है तो किसी के दरवाजे में नर्दा फंसा पड़ा हुआ है, कुछ सड़क बनी है, कुछ दूरी तक नहीं बनी, कुछ फिर छोड़ दी गई है बीच में। अभी मौके पर देख लिया जा कचरा पथरा पड़ा है, 2-3 जगह ऐसे रोड है कि जो कि आदमी को निकलने में भी परेशानी हो रही है। पानी की जो है पानी की समस्या कुछ पूछने लायक नहीं है, अब तो सूखा पड़ रहा है, नल सूखे पूखे जा रहे हैं। इस तरह के लोग चाहते थे कि आदर्श ग्राम बन जाए, घोषित होगी तो हर तरह के विकास होंगे, पानी की समस्या समाप्त होगी, नाली खड़ंजा बनेंगे, स्कूलों में विद्यालयों में टीचरों की। अभी क्या स्थिति है गांव की? 2.5 साल का ऊपर का समय हो गया, 3 साल ही पूरा होने वाला है सरकार का और गांव गोद लिए भी 3 साल लगभग हो जाएगा। अभी क्या स्थिति है गाँव की? अभी मेन रोड तो पूरी पड़ी हुई है, जो उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें फेल है यहाँ पर। हाँ, अभी ये मेन रोड आप खुद देख लीजिए ना, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी मेन रोड अभी तक बड़ी हुई, आज बनेगी कल बनेगी। तो जब इन्होंने गोद लिया था सांसद जी ने तो बड़ी उम्मीदें थी कि मतलब क्या कहते हैं ये कार्य जल्द हो जाएगा, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में 1 रुपया का भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब तो बिजली अच्छी आ रही है। अच्छा, बिजली हाँ, और पानी भी हमारे कालिंजर में जो है आ रहा है। अच्छा, बात हमारी यहाँ पे कटरा कालिंजर उस तरफ है और कटरा इस तरफ है, आपको क्या लगता है कि अब ठीक है या अभी बहुत जरूरत है विकास की? अभी बहुत जरूरत है विकास की, अभी इस समय जो है हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ पड़ा है। हाँ, सांसद जी ने जब गोद लिया था हमारे यहाँ तब ये इतना हर्षोल्लास के साथ ये हुआ कि हमारे गांव का अच्छा से अच्छा विकास होगा, और बरसाते हाल अभी जो है कोई रोड नहीं और पानियों की समस्याएं, पानी मान लीजिए कि 2-2, 3-4 दिन पानी नहीं आता है और लोग हैंडपंप में दूर दूर तक भरने के लिए जाते हैं। इससे बदलाव नहीं पड़ा है, जय को तो पड़ा है पूरे गाँव में, चाहे घूम के इंक्वायरी कर लीजिए। भाई अभी तक तो ये था कि चलिए सरकार ठीक नहीं थी, अब तो उम्मीद है कि चलो कुछ ना कुछ होगा। और जैसे यहाँ आपने पूछा बिजली पानी की, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और बिजली के जो है यहाँ देखिए आप इतने पुराने तार लगे हुए जर्जर, किसी किसी गांव में बिजली भी नहीं है, मोहल्लों में ऐसे पड़े हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या है। ये विकास जिस हिसाब से होना चाहिए था वो तो कुछ भी नहीं हुआ, और उम्मीदें तो सभी को थी कि होगा विकास और लोग अभी भी आस लगा के बैठे हैं, लेकिन विकास हुआ नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी की दिक्कत है। हाँ, यहाँ हम तो यही कह रहे हैं कि जब से यहाँ गोद लिया गया तो कुछ भा ही नहीं है,
और जो थोड़ा बहुत गोद लेने के बाद आप लोगों ने क्या प्रयास किया, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव थे जहां पे सरकार का साथ दिया गांव वालों ने तब काम हुआ, आप लोगों ने ऐसा क्या किया यहां पे? सांसद जी के पास गए, उनसे आपने कोई बात रखी अभी तक? सांसद जी के पास तो बहुत से लोग गए हैं और कहा भी है सर, जो लोग यहाँ जब वो आते हैं तब लोग कहते हैं यहाँ पर उनसे, बाकी लोग जाने वाले तो यहाँ कोई नहीं। एक चीज मैं और कहूँगा, यहाँ पर सर जितनी सरकारें हैं आज तक यहाँ पर एक भी टीचर नहीं आया, बच्चियाँ बच्चे सारे बाहर पढ़ने जा रहे। किस विद्यालय में? ये सर GIC राजकीय इंटर कॉलेज, उसको GIC विद्यालय, एक पर्चा एक चपरासी के उसमें सर चल रहा है, और एक टीचर जो रखा गया है वो भी दारू पिए पड़ा रहता है। और सर जो है पुराने जो है जो गांव के पढ़े हुए लड़के ऐसे 10-10, 8-8 वाले उनसे विद्यालय चलवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप करोड़ों का बजट देते हैं विद्यालय चलाने के लिए, आप सर्व शिक्षा अभियान में अरबों फूंक रहे हैं रुपए, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के स्कूल में एक चपरासी रहता है, शिक्षक नहीं है। और ये कितना मतलब आपको कितना अंदर से कचोटता है जब शिक्षा की बात आती है और आपके बच्चे, आपके बच्चे कैसे पढ़ते, कैसे चपरासी पढ़ाता है? नहीं सर, हम लोगों के बच्चे इसी वजह से लोग हम बाहर डाले हुए हैं बच्चों को, जब मजबूरी यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो मजबूरी अगर पढ़ाना चाहता तब कोई पिछड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ कोई अधिकारी गवर्नमेंट जो है इधर ध्यान नहीं देती इस मामले में। अच्छा, कि जी कि कालिंजर कहाँ है, इसका क्या विकास होना चाहिए, जो कि ऐतिहासिक प्राचीन किला है यहाँ। जी अधिकारी लोगों की कमी है सर जी, अधिकारी जो मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं जिनके पास पावर है वो लोग सब चाहे तो क्या नहीं हो सकता है यहाँ पर सर जी। पानी के लिए इतनी दिक्कत है, हैंडपम्प सर जी इतना गंदा पानी निकलता है कि बहुत दिक्कत है, लोग बीमार होते हैं। यहाँ पे लगातार जो समस्याएं बनी हैं कटरा गांव में है, और हम बता रहे हैं कि ये आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था। ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, ये सड़क जाती है गांव की ओर, और अभी भी उसी तरीके से ये सड़क बदहाली का शिकार है। और लोगों की उम्मीद है, अभी भी लोगों को उम्मीद है, 3 साल का सरकार का समय होने वाला है केंद्र सरकार का, लोगों का कहना है कि प्रदेश में योगी आ गए हैं और योगी के आने के बाद यहाँ पे विकास होगा, ये लोगों का कहना है। आप देख पा रहे हैं अभी हम अंदर गांव की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर गांव में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, या महज ग्राम आदर्श ग्राम योजना के तहत औपचारिकताएं ही पूरी की गई हैं, क्योंकि सांसद जी काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं इन 3 सालों के बीच में, लगातार उनकी उपस्थिति रही है सदन में, लगातार मजबूती के साथ उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे अन्ना जानवरों का मुद्दा हो, चाहे यहां पे बंद फैक्ट्रियों का मुद्दा हो, चाहे कालिंजर के किले के टूरिज्म की बात हो, सांसद जी ने तमाम मुद्दे उठाए हैं और बुरी मजबूती के साथ उठाए हैं, लेकिन उनका अपना गोद लिया हुआ गांव आज बदहाली के स्थिति पे है, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न होगा सांसद जी से। सौरभ जी आपसे जानने का प्रयास करते हैं, एक समीक्षक की के लिहाज से अगर आपसे पूछें क्या कमी रह गई कि इतने लोग इकट्ठा हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आदर्श ग्राम योजना के तहत कुछ काम हो जाते तो ठीक होता। जब मैं आदर्श ग्राम ये गांव के बारे में सुना था तो सर्वप्रथम मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये गांव उस प्रकार से हो सकता है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उदयपुर को बनाया था, क्योंकि जब भी टीवी पर देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने उस गांव को पूरा तरह से एक हाईटेक गांव बना दिया है। वहां पर चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, या टेलीफोन की सुविधा हो, मोबाइल से लेकर के मतलब ATM से लेकर के बैंक, अस्पताल, सब कुछ वहां पर सब कुछ मतलब एक अवेलेबल हो गया है। आदर्श ग्राम जिसको कहते हैं वैसा एक ग्राम की जैसी कल्पना कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले कहा था कि गांव भारत की आत्मा है, लेकिन भैरव प्रसाद मिश्री जी ने जब से लिया है इस गांव को आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया है तो सोचा था कि यहाँ पे एक विकास आएगा, लेकिन जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही जिस प्रकार से मुख्य मार्ग की हालात दिख रहे हैं कि यहाँ सड़क नहीं है। अंदर नहीं गए सौरभ जी, अंदर क्या लगता है कि ये रोड जिस तरीके से बनी है अंदर भी कुछ ऐसे हाल होंगे या कुछ अच्छा दिखने वाला है? हाँ, अभी ये जनता जो खड़ी है आपसे सब अंदर के भी हाले भैया जनता ने जो कर दिया है, क्योंकि अंदर तो हम जो भौतिक देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन जो दिल की मार इन्होंने बताई है वो चीज़ हम तो देख भी नहीं सकते शायद, लेकिन जनता ने बता दिया कि आत्मा की मार क्या होती है, और वास्तव में यहाँ पे जो विकास का पैमाना होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। क्या समस्या है? यहाँ नल है, देखो ये कचरा पड़ा है, ये कचरा की सफाई नहीं होती। नल की क्या समस्या बता रहे हैं आप? देखो उतर कर जा रहा है, पानी भी नहीं। अच्छा, आपका गांव आदर्श ग्राम योजना के तहत है, सांसद जी ने गोद लिया है, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं है सर, देख लीजिए आप। नहीं, रोड तो दिख रही है, रोड है, कचरा पड़ा है, नाली की कचरा तो हम आप भी साफ कर सकते हैं। हाँ, हम आप भी साफ कर सकते हैं। हम आपने क्या किया? कुछ नहीं, हम आपने भी कुछ नहीं किया। अच्छा आप बताइए आपने क्या किया? सब पड़ी है, हम इस समय कटरा गांव के अंदर आ चुके हैं, वो गांव जिसे सांसद जी ने गोद लिया है। हमारे साथ यहीं की गांव में ही रहने वाली एक महिला है, आपका क्या नाम है? प्रेमकली। अच्छा, आप क्या लग रहा है गोद लेने के बाद आपको क्या खुशी हुई थी, अब कितना काम हुआ है? हम कुछ नहीं खुशी भाई थी, ना हमको कुछ यहाँ मिल रहा। हाँ हाँ,
कोई सुनता नहीं है यहाँ। अच्छा सांसद जी कितनी बार आए गाँव आपके? यहाँ जब कोई आता नहीं है देखने लिए कि क्या हो रहा है कि ना हो रहा था, क्या करें। अच्छा समस्या क्या क्या है, क्योंकि अभी पानी की आप बात कर रही थी। पानी की समस्या है, बत्ती हिंद वहाँ डरे हैं कगरी में, कौन हमारे यहाँ बत्ती है, बिजली नहीं आती, नहीं है बिजली। देखा मोदी जी ने तो कहा है, योगी जी भी कहे हैं कि अब आ जाएगी बिजली हर घर में हर गाँव में। जब आ जा जब जाना, अब क्या जान की आ गई। ये बोला था कोने के गड्ढा खोदे डरे हैं, कोने के बन गए हैं, कोने के बनते नहीं है, चाहे गोरू मरे चाहे बछेरू मरे चाहे जो को मरे गिर के चाहे बच्चे मरे। अच्छा, और क्या समस्या है आप जो कह रहे हैं? तो समस्या जो का गंदा डरो, नाली को गंदा है, साफ तक नहीं करो। अब तो प्रधान आपका गांव तो गोद लिया गया है। हाँ तो क्या करो, का गोद लाओ है। अच्छा गोद लिया तो कुछ नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्या है आपके गांव में? यहाँ बहुत समस्या कमती है भैया, नहीं है पानी नल कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, यहाँ पे कोई अधिकारी कोई विधायक सांसद आते हैं ना? तो यहाँ कोटा में बनावट यहाँ कारट में बनाए ना, हमारे लड़कन के ना हमारे काऊ के कारण तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कई समस्याएं हैं, लोग सबसे बड़ी चीजें कह रहे हैं इस गांव के कटरा गांव के लोग कि यहाँ पे पानी की समस्या है, पानी की समस्या दूर होना चाहिए। और ये जो नल पीछे देख पा रहे हैं, गांव के बीच में एक नल है और ये काफी काफी आधे घंटे तक इसको लगातार लोगों का कहना है कि चलाना पड़ता है, इसके बाद पानी निकलता है और ये उसके बाद भी सही पानी अच्छा पानी नहीं निकलता, बच्चों तक को यहाँ पे पानी लेने आना पड़ता है। ये तमाम चीजें ऐसी है जिससे लोग यहाँ पे काफी नाखुश हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे वो विकास होना चाहिए था जो विकास नहीं हुआ है। ये बताइए कि रोड कचरा, आपकी सफाई की बात हो रही है, आप लोगों ने कभी प्रयास किया सफाई का? सफाई का प्रयास किया है लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। प्रधान लोग आते हैं सब देख करके चले जाते हैं। प्रधान कौन है, गांव के प्रधान कौन है आपके? राम बहुरी है। तो वो कभी प्रयास किया उन्होंने विकास के लिए? विकास के लिए कुछ नहीं प्रयास किया, हमारे गड्ढे सब डरे हैं, लैटरिन के हमने खुद खोदा और खुद में नहीं ये। अच्छा, आपके कटरा गांव में, आपके कटरा गांव में शौचालय बने हैं? बने हैं, मतलब बहुत बने हैं लेकिन कम बने हैं, जिसके जो जो पाने लायक ये ये, ये 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 बहुत बने हैं कम बने हैं अभी समझ नहीं आ रहा, आप बताइए क्या है? जिसके बनने लायक नहीं है उसके बने हैं, जिसके बनने लायक है उसको नहीं बने हैं, उनके गड्ढे तक खोदे पड़े हैं आज तक अभी। मतलब ये आप बता रहे हैं कि जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला है, पात्रों को नहीं मिला है, तो क्या ये हर चीज में ऐसा ही है? हर चीज में इसी तरह होता है, जहाँ जौन सा सामान आए तो उसी को मिलता है जिसको मिलने लायक है, और जिसको मिलना है उसको नहीं मिल पा रहा। सिक्स में हो तो क्या टीचर आते हैं पढ़ाने, गुरु जी आते हैं जी? क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? आपको ककहरा वगैरह आता है? सुनाइए हमको ककहरा। काका का सुनाइए। दो का भाड़ा सुना दीजिए। दो का दो तीन चार दो तीन चार दो चुको दो पंच दस। अच्छा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? श्री अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री मुख्य श्री आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी हैं। तो ठीक है, ये स्थिति है शिक्षा की यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो मुस्कुरा भी रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं, आप भी क्या बड़े होके बनना चाहते हैं? क्या क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? अध्यापक। अच्छा, तो बगल से आवाज आ गई अध्यापक की, अध्यापक। पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि क्या बनना है बन जाते थे। आप लोग बताएंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि पीछे किला है, वो भव्य किला है चंदेलकालीन, जहाँ पे राजा रहते थे, महाराजा रहते थे, बड़ा बड़ा यहाँ पे था पूरा। आपको क्या लगता है यहाँ क्या रह गया है? कुछ नहीं सब रह गया यहाँ। हाँ, ये है कि यहाँ कोई विकास नहीं है, जो आते हैं बस कह भर जाते हैं, कोई यहाँ कुछ नहीं होता। तो जैसे आपने इस बच्चे को गोद ले रखा है, सांसद जी ने भी गांव को गोद ले रखा है, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं किया। इसका कुछ होगा कि नहीं? होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ। नहीं नहीं, इस बच्चे तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे गांव में डिब्बे अभी भी रखे हैं काफी संख्या में, लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारी बुंदेलखंड चर्चा की जो टीम है वो लगातार कटरा गांव में है, जो यहाँ पे गोद लिया गया था माननीय सांसद जी द्वारा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि क्या कुछ स्थितियां हैं। लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता लगेगा कि विकास कितना हुआ है, मोदी जी के सपने कितने साकार हुए हैं। बुंदेलखंड टीम के लिए कैमरा पर्सन आशीष उपाध्याय के साथ अनुज हनुमत।